सो बेबी डॉज एक बहुत बड़ी उड़ान भरते हुए 1.5 मिलियन होल्डर कंप्लीट कर लिए, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत कम समय में कर रहा है और बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। तो क्या ये कॉइन सच में अब करोड़पति बना सकता है? क्या ये कॉइन शिबा इनू को हरा सकता है? क्या ये कॉइन बेबी डॉज को हरा सकता है? हर चीज पे एक्चुअली हम बात करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो न्यूज है जो कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियो मैं देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले बेबी डॉज उसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो न्यूज के बारे में, क्यों जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो बेबी डॉज की, बेबी डॉज ने 1.5 मिलियन होल्डर्स कंप्लीट कर लिए। आप समझ रहे हो, मतलब अभी तक बहुत सारे एक्सचेंजेस में लिस्ट भी नहीं हुआ है और 1.5 मिलियन होल्डर जो है गेन कर लिए। अगर कहीं इसको इतना जो प्लेटफॉर्म जितना शिबा इनू को मिला है वो मिल जाए तो कहां पहुंचेगा ये। दूसरी तरफ 1.1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए, मतलब टक्कर में चल रहा है शिबा इनू के बिल्कुल बराबरी के, और कहीं ये शिबा इनू को क्रॉस ना कर दे इस बात का ज्यादा डर लग रहा है। अब दूसरी जो खबर है वो थोड़ी सी मतलब काफी दुखी करने वाली है। मोबीक्विक ने जो है अपना पेमेंट सिस्टम विड्रॉ कर लिया एक्सचेंजेस से। अब मे भी ये इसलिए किया है कि भाई मुझे ये नहीं देना है टैक्स वैक्स का हिसाब, या फिर वो ट्रांजैक्शंस जो अब गवर्नमेंट ट्रैक करेगी, इस कारण मे भी हो सकता है क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं ये निगेटिव वाली बात है क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए। बट उसके बाद जो न्यूज है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया ने अपना ड्राफ्ट बिल डाल दिया है डिजिटल करेंसी को लेकर कि भाई फिर से एक बार रिविजन करो, क्या इसमें अच्छा हो सकता है। अगर वो लोग यहां पर कुछ भी बढ़िया न्यूज लाते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये रिविजन जो है कुछ अच्छे के लिए किया है, कुछ पॉजिटिव के लिए किया है, क्योंकि निगेटिव तो वो ऑलरेडी फैला चुके हैं बिल बैन करने को बोलकर। उससे भी बढ़िया न्यूज की कॉइनबेस अब इंडिया में आ चुका है। अब जो है इंडिया में उसने अपना प्लेटफॉर्म डाल दिया है और ट्विटर पे काफी लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया है कि वेलकम कॉइनबेस। यहां से अब आप ट्रेडिंग कर पाएंगे कॉइनबेस में भी, जहां पर पूरी तरह से इंडिया बेस आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो इंडिया की पावर कितनी है कि भाई बाहर के बड़े एक्सचेंजेस को इंडिया में इंडिविजुअली अपना एक्सचेंज क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और सबसे ज्यादा क्रिप्टो के होल्डर्स भी इंडिया में। ट्रेंडिंग कॉइन की बात करें तो सोलाना और पैनकेक स्वैप सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं बाइंग और सेलिंग को लेकर। हाँ, लेकिन अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम पे ज्यादा बाइंग सेलिंग चल रही है। अगर सबसे ज्यादा लूजर की बात करें तो आज के टाइम पे सेफ मून कॉइन 67% डंप हुआ है, जो कि लूजर्स की लिस्ट में टॉप पे चल रहा है। यहां पर अगर कोई भी इस समय सेफ मून होल्डर है तो मैं बोलूंगा देखो ही मत, क्योंकि सेल करने लायक भी पैसे नहीं होंगे, बस छोड़ दो उसे। और टॉप गेनर की बात करें तो शिबा टोबी कॉइन, कोई भी कॉइन बन रहा है आजकल, हर दिन रिसेंटली एडेड कॉइन कॉइन कैप मार्केट में दिख रहा है, और यहां पर वो सबसे ज्यादा टॉप गेनर पे चल रहा है 2591% लास्ट 24 आवर्स में गेन कर लिया है। मतलब कहां से इतने जल्दी लोग खरीदने लगते हैं, कोई छोड़ो। होप करता हूं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी आप चल रही है मार्केट में वो सब देने में मैं सक्षम हूं। जहां कहीं भी अगर थोड़ी सी भी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसे वीडियोस अगर देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस मैं देने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भी भूले भटके की हेल्प कर सकता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।